नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ की महिमा के बारे में जरूर सुना होगा और उनके दर्शन भी किए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ की आराधना किसने की, उनकी अधूरी प्रतिमा के पीछे की कहानी क्या है या किस प्रकार इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया? आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और उस काल में चलते हैं जहां मध्य भारत में मालवा नामक राज्य पर राजा इंद्रद्युम्न का शासन हुआ करता था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक और भक्त थे। भगवान के प्रति उनकी अपार आस्था के चलते राजा के मन में हमेशा भगवान नारायण के दर्शन करने की इच्छा रहती थी। एक दिन उनके राज्य में एक बड़े ज्ञानी ऋषि आए और उनसे कहने लगे, हे राजन, क्या आपको सवर कबीले द्वारा पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के दिव्य रूप नील माधव के विषय में कोई जानकारी है? इस बात को सुनकर राजा बोले, हे ब्राह्मण देव, मैं तो अज्ञानी हूँ। मुझे कृपा करके बताइए कि मेरे आराध्य के इस दिव्य रूप की पूजा कहाँ की जाती है और मैं किस प्रकार से उनके दर्शन कर सकता हूँ। राजा की बात का उत्तर देते हुए ऋषि बोले कि मुझे भी उस स्थान का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपकी सहायता मांगने आया था। लेकिन लगता है भगवान नील माधव के दर्शन करने की मेरी खोज अभी जारी रहेगी। अगर आप इसे ढूंढने में मेरी सहायता कर पाएं तो अवश्य करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर राजा के मन में भी भगवान विष्णु के इस दिव्य अवतार के दर्शन की जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई और उन्होंने अपने मुख्य पुजारी विद्यापति को बुलाकर ये आदेश दिया कि वो उस स्थान का पता लगाएं जहां भगवान विष्णु के दिव्य रूप नील माधव रूप की पूजा होती है। विद्यापति उस मंदिर की खोज में निकल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब वो उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें गुप्तचरों से पता चला कि सवर कबीले के मुखिया विश्वासु ही नील माधव की पूजा करते हैं। ये सुनकर विद्यापति मुखिया के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वो उन्हें भगवान नील माधव के दर्शन करवाएं, लेकिन विश्वासु ने उनको वहां ले जाने से मना कर दिया। ये सुनकर विद्यापति ने ये दृढ़ संकल्प लिया कि वो नील माधव के दर्शन किए बिना वहां से नहीं जाएंगे। कुछ समय पश्चात उसे ये ज्ञान हो गया कि विश्वासु ही भगवान नील माधव का उपासक है और उसने भगवान जी की मूर्ति को किसी गुफा में छिपा रखा है। लेकिन कई बार प्रयत्न करने के बाद भी विद्यापति उस स्थान का पता नहीं लगा पाया। उस स्थान पर रहते रहते विद्यापति को कबीले के मुखिया की बेटी से प्रेम हो गया और कबीले के मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह विद्यापति के साथ करा दिया। इस प्रकार विद्यापति ने वहाँ कुछ और समय व्यतीत किया। एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने पिता से उन्हें भगवान नील माधव के दर्शन करवाने का आग्रह करें। अपने पति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए विश्वासों की बेटी ने उनसे प्रार्थना करते हुए विद्यापति को भगवान नील माधव के दर्शन करवाने के लिए कहा। आखिरकार विश्वासु को अपनी बेटी के अनुरोध के आगे झुकना पड़ा और वो विद्यापति को भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन करवाने के लिए मान गए। परंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि विद्यापति को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, तभी वो उस मंदिर के दर्शन करवाने के लिए ले जाएंगे। विद्यापति ने उनकी शर्त मान ली और अगले दिन विश्वासु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उस स्थान पर ले गए जहां भगवान नील माधव की पूजा अर्चना की जाती है। विद्यापति ने भी चतुराई दिखाते हुए सरसों के दानों को अपनी जेब में रख लिया। रास्ते को याद करने के लिए वो उन दानों को रास्ते पर गिराता रहा। आखिरकार गुफा में पहुंचकर विद्यापति को भगवान नील माधव के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विद्यापति द्वारा गिराए गए दानों में से कुछ दिनों बाद सरसों के पौधे उग गए और वो राजा को लेकर उन पौधों का पीछा करते करते दोबारा उस गुफा तक पहुंच गया। लेकिन जब वो दोनों वहां पहुंचे तो गुफा से भगवान नील माधव की मूर्ति गायब हो चुकी थी। राजा को बिना दर्शन के वापस लौटना पड़ा, परंतु भगवान ने उन्हें उस दिन स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। समुद्र में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, तुम उसे उठा लाओ और उससे मेरी मूर्ति बनाकर एक मंदिर में स्थापित कर दो। राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया
और अपने सेवकों को समुद्र से उस लकड़ी के टुकड़े को लाने का आदेश दिया। परंतु जब उनके कई सेवक मिलकर भी उस लकड़ी को नहीं निकाल पाए, तब राजा ने कबीले के मुखिया विश्वासु को बुलाया। विश्वासु ने अकेले ही उस टुकड़े को समुद्र से निकाल दिया। ये नज़ारा देख वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद जब लकड़ी से मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ, तो राजा का कोई भी कुशल कारीगर उस लकड़ी को काट ही नहीं पाया। इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं भगवान विश्वकर्मा वहां एक बूढ़े कारीगर का रूप धारण कर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं भगवान नील माधव की मूर्ति का निर्माण 21 दिनों में करूंगा, परंतु मेरी यह शर्त है कि उस दौरान कोई भी मेरे कमरे के अंदर नहीं आएगा। राजा ने उनकी शर्त मान ली और भगवान विश्वकर्मा ने मूर्ति का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। कुछ दिनों तक तो कमरे के अंदर से आवाजें आती रहीं, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात कमरे से आवाज आना बंद हो गई। ये देखकर राजा की पत्नी गुंडीचा खुद को नहीं रोक पाई। वो ये सोचने लगी कि कहीं उस वृद्ध व्यक्ति को कुछ हो तो नहीं गया। अपनी इस सोच पर उसने दरवाजा खोल दिया। शर्त के विरुद्ध दरवाजा खोलने से भगवान विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन वहां पर भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलभद्र जी की अधूरी मूर्ति विराजमान थी। राजा को ये देखकर पश्चाताप हुआ, लेकिन उन्होंने इसे ही भगवान की इच्छा समझकर उन प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित करवा दिया। तो ये था भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ा हुआ पूरा इतिहास। अगर आप इस मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताओं को जानना चाहते हैं, तो श्री मंदिर ऐप पर अवश्य जाएं।